इन दिनों देश भर में बुलडोजर की चर्चा जोरों पे है। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली होते हुए बुलडोजर की चर्चा अब बिहार पहुंच चुकी है। बिहार में भी बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर एक्शन मोड पर आ गया है और लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलता बुलडोजर दिखाई पड़ रहा है। ताजा मामला भागलपुर जिला के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक प्रखंड गोटखरीक पंचायत का है, जहां अंबो गांव में NH 31 किनारे बिहार सरकार की 360 डिसमिल जमीन पर अवैध ढंग से बनाए गए 400 घरों पर सुशासन बाबू का बुलडोजर चला। इस दौरान अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे नौगछिया SDO यतेंद्र कुमार पाल ने पदाधिकारियों और 300 पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में 5 JCB से घरों को तोड़ा गया। वहीं कई लोगों ने खुद से अपने घरों को तोड़कर अपना सामान भी हटा लिया। बता दें कि वर्षों से सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से घर बनाकर रह रहे लोगों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसको लेकर पूर्व में ही खरीक प्रखंड के तत्कालीन CEO विनय शंकर पंडा ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने को कहा था, लेकिन अतिक्रमणकारी हटने की बजाय न्यायालय की शरण में चले गए। लेकिन कोर्ट ने भी अतिक्रमण मुक्ति का आदेश जारी किया, जिसके बाद नौगछिया SDO और खरीक CEO निशांत कुमार के नेतृत्व में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। नाथनगर के ललमटिया OP क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक युवक का सरकटा शव बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची ललमटिया OP पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। वहीं शव की पहचान सजौर निवासी स्वर्गीय बलिराम के पुत्र विकास पोद्दार के रूप में हुई है। इधर कई लोगों का कहना है कि यह हत्या नहीं है, बल्कि युवक ने अपनी पत्नी से कहा सुनी के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पीरपैंती रेलवे उल्टा पुल मामले में 25 मई को होने वाले धरना को लेकर राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजीत शाह ने धरना में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि रेलवे पुल का कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाने की बात कही गई थी, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बावजूद कोई भी रेलवे पुल का कार्य करते मजदूर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने रेलवे के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा कि रेलवे पुल पिछले करीब 2.5 साल से टूटा पड़ा है, लेकिन अब तक इसका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब जनता ने आंदोलन का मन बना लिया है। इस दौरान सरकार और रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर पूर्व मुखिया मुजाहिद सहित प्रखंड के कई लोग मौजूद थे। हम लोग तो बहुत परेशानी में है, पूरा पीरपैंती प्रखंड, और पता नहीं रेलवे विभाग या ठेकेदार या इंजीनियर क्या सोच है उसकी, उसका सोच का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। मुख्य उद्देश्य है कि हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से 5-7 दिन पहले निकला था कि पुल की जो टेक्निकल बाधा थी वो दूर कर दिया गया है और पुल में काम लग गया है। यहाँ के रेल के वरीय अभियंता लोग स्पॉट का निरीक्षण कर चुके हैं और पुल 15 दिन के अंदर चलने लायक हो जाएगा, लेकिन आज 7 दिन भी हो गया और एक भी लेबर, एक भी स्टाफ, कोई वर्कर पुल का यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। हमारा 25 तारीख को धरना प्रस्तावित है रेलवे परिसर में आम जनता के द्वारा सर्वदलीय, इसलिए हमने सोचा कि यदि काम शुरू हो जाएगा, काम यदि शुरू हो गया तो मैं धरना को कैंसिल कर दूंगा। तिलकामणि भागलपुर विश्वविद्यालय के PG अंगिका विभाग में सोमवार को युवा छात्र सम्मेलन सह बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र महतो ने की। वैकल्पिक मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर विचार प्रकट किया। इस दौरान डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि सरकार ने 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ।
साथ ही बताया कि आज के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि 29 और 30 मई को विशाल जन आंदोलन की तैयारी पर वार्ता होगी। इसके बाद मुहिम चलाकर सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि देश के अमीर और अमीर हो रहे हैं जबकि गरीबों की स्थिति बदतर होती जा रही है, पूरे भारतवर्ष में इतनी बेरोजगारी और महंगाई क्यों है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ झूठे वादे करके जनता को वर्गलाने का काम कर रही है। बैठक में उदय, प्रणब कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार से सवाल किया जाए क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था, जो कहा था कि महंगाई घटाएंगे, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारों को 2 करोड़ की नौकरी देंगे, नौकरियां गायब हो रही है, तो जो उन्होंने कहा था वो झूठ। तो हम जनता की ओर से, युवाओं की ओर से और समाज की ओर से भी प्रधानमंत्री से या उनकी सरकार से बहस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमको पता है ये क्यों हुआ है। तो इसी संदर्भ में वहाँ पर बैठक कर रहे हैं, जो जन आंदोलन का एक मतलब आगाज है, एक शुरुआत है कि हम सम्मेलन करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम बिहार के लिए और देश के लिए कार्यक्रम बनाएंगे, इसकी कोशिश में हम लोग लगे। बिहार वेलफेयर एसोसिएशन एवं भागलपुर जिला वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया गया। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अलावा बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सहयोग से आयोजित प्रतियोगिता में 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 30 संभावित प्रतिभागियों का चयन किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी प्रमोद यादव, राज्य संघ के उपाध्यक्ष अरुण कुमार ओझा, जिला संघ के अध्यक्ष प्रवीण झा, सचिव नीरज कुमार राय और भारत स्काउट एंड गाइड भागलपुर के संगठन आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान राज्य संघ द्वारा नियुक्त किए गए विशेष प्रशिक्षक सूरज कुमार वर्मा और सरिता कुमारी की देखरेख में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता सम्पन्न हुई, जिसमें अंकों के आधार पर अलग कैटेगरी के संभावित खिलाड़ियों का चयन हुआ। मौके पर एथलेटिक्स संघ के नसर आलम, खोखो संघ के पवन कुमार सिन्हा, प्रमोद मंडल, प्रीति, रितेश समेत नेहरू युवा केंद्र और उड़ान क्लब के कई सदस्य और प्रतिभागी मौजूद रहे। ये बिहार भारतीय संघ द्वारा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्देश्य ये है कि अगले ओलंपिक में या उसके बाद ओलंपिक में जो बच्चे या फ्यूचर ओलंपिक्स के लिए जो बच्चे हैं वो छोटे उम्र से अभी से ही हम तैयारी करेंगे उन बच्चों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए। तो अगर हम 12 साल और 13 साल के बच्चों का अगर सिलेक्शन करते हैं तो वो 4-5 साल के ट्रेनिंग के बाद वो ओलंपिक स्टेज के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। जिले में 4 वर्ष पूर्व गठित किए गए व्यापार मंडल भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव रविवार को श्री गौशाला परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से लालू शर्मा को भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान गौशाला सभागार में शहर के प्रबुद्ध जनों और व्यवसायी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और 2022-25 सत्र के लिए अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया शुरू की गई, जहाँ लालू शर्मा को अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पूर्व प्रीति पांडे, संगीता तिवारी एवं गौरी शंकर डोकानिया ने चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद के लिए सदन से नामों का सुझाव मांगा, जिस पर सर्वसम्मति से संजीव कुमार उर्फ लालू शर्मा का नाम सदस्यों ने प्रस्तावित किया, जिसके बाद चुनाव समिति ने अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार शर्मा उर्फ लालू शर्मा के नाम की घोषणा कर दी।
वहीं इसके बाद लालू शर्मा ने सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तमाम व्यवसायियों और प्रबुद्ध जनों ने उन पर जो विश्वास और उम्मीद जताया है वह उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही बगैर किसी भेदभाव के संगठनों के साथ सद्भाव कायम रखते हुए एक मत से व्यापारी समाज के हित के लिए कार्य करने का भरोसा भागलपुर के व्यापारियों को दिया। मौके पर चुनाव समिति के संस्थापक प्रकाश डोकानिया, रोहन शाह, मुन्ना झुंझुनवाला, अनिल कड़ेल, कन्हैया शर्मा समेत नगर निगम के कई पार्षद, काफी संख्या में संगठन के संस्थापक पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र के लोग मौजूद थे। आज भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नए कमेटी का गठन हुआ है और भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यों ने मेरे कंधे पर एक जिम्मेदारी दी है और मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना। हमारी उपाध्यक्ष के रूप में दीदी प्रीति पांडे हैं और हम लोगों का इसी उद्देश्य है कि भागलपुर के तमाम शक्तिशाली संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ईस्टर्न बिहार या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन या टेक्सटाइल चैम्बर या शाह मार्केट का एसोसिएशन सबसे तालमेल बिठाकर व्यापारियों की एक उचित आवाज़ बने और सब व्यापारियों के हित में काम करें। खास करके हमारे अघोषित पार्टनर ठेला वाला की जो समस्या है या यातायात की जो उनको दिक्कत होती है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। पीरपैंती में SDRF की टीम ने आपदा से बचाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्य आपदा मोचन बल के द्वारा सोमवार को पीरपैंती मुख्यालय स्थित ट्राइसम भवन में प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि और गोताखोरों को आपदा की स्थिति में बचाव पर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान CO थुआ उराव ने कहा कि आपदा में निकटतम व्यक्ति की सक्रियता ही तत्काल राहत पहुँचाती है और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मौके पर हो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रखंड पंचायत प्रतिनिधि और गोताखोरों SDRF की टीम से मिले प्रशिक्षण से आवश्यक जानकारी हासिल कर बचाव कार्य में हिस्सा ले सकते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे राहत एवं बचाव कार्य के लिए तत्पर रह सके। मौके पर SDRF के अवर निरीक्षक संजीत कुमार, व्यास कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत कटाव पीड़ितों को जिलाधिकारी के द्वारा 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराई गई थी, जिसमें से 37 परिवारों को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा भी दिया गया, लेकिन असल में यह प्रक्रिया सिर्फ कागज तक ही सीमित रहा। बताया जाता है कि कटाव पीड़ितों को अभी तक जमीन दखल नहीं करवाई गई है, जिससे कटाव पीड़ितों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पीरपैंती प्रखंड के कटाव पीड़ितों को टुंडीबा मुंडीबा में उपलब्ध कराई गई जमीन काफी गड्ढे में होने के कारण कटाव पीड़ित अभाव बस उस जमीन को भरकर निर्माण कार्य करने में खुद को असमर्थ बता रहे हैं। कटाव पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन इस गड्ढे को भरकर जमीन को समतल करा दे ताकि वे सभी उस पर घर बनाकर अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कटाव पीड़ितों द्वारा NH-80 जाम कर आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मौके पर गौरी शंकर विद्यार्थी, साधु चरण मंडल, ज्योति कुमार, डोमन पासवान सहित काफी संख्या में कटाव पीड़ित उपस्थित थे। आज 6 साल पहले उधर दियारपुर के समीप लक्ष्मणिया धार में बसे हुए हैं। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी है, नरकीय जीवन जी रहे हैं। हम लोगों का यही मुद्दा है कि हम लोगों को जितना जल्दी हो सके पर्चा बना करके हम लोगों को जमीन का व्यवस्था करे और सरकार हम लोग को जमीन दे निकाल करके, और नहीं तो हम लोग इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करेंगे, NH जाम करना होगा, NH जाम करेंगे। मैं गौरी शंकर विद्यार्थी, रानी दियारा कटाव पीड़ित का नेतृत्व करता हूँ और हम जो है 2019 में कट कर जो है किशनदासपुर के रेलवे लाइन के ज़मीन पर जो है हम लोगों को DM साहब के द्वारा जो है वो अस्थायी तौर पर जो है रखा गया है और जो है हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 6 महीनों के अंदर जो है सभी कटाव पीड़ितों को जो है पुनर्वास मुहैया करा दिया जाएगा, लेकिन आज जो है 3 साल जो है पूरा होने चला है लेकिन अभी तक जो भी हमारे कटाव पीड़ितों को पर्चा दिया गया है
उस पर्चाधारियों को जो है जमीन दखल दीवानी नहीं दिलाया गया है और इसके लिए हम जो है बार बार आवेदन जो है दे रहे हैं। मधेपुरा सदर प्रखंड के खोपाइती गांव में हुई आपसी मारपीट और गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज मधेपुरा सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं इसको लेकर खोपाइती के वार्ड 13 निवासी दीनबंधु यादव ने बताया कि गांव में सड़क किनारे उसके जमीन पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तभी पल्सर बाइक पर सवार गांव के ही घनश्याम यादव और हरेराम यादव ने आकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जबकि मारपीट के दौरान हरेराम यादव ने उसके ऊपर थिरनट से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन संयोगवश गोली नहीं चली। साथ ही पीड़ित पक्ष का कहना है कि इसके बाद घनश्याम यादव, बद्री यादव, बौकू यादव, जयराम कुमार और लालमोहन यादव ने मिलकर उसके ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां जमा हो गए और भीड़ को देखते ही सभी हमलावर अपनी बिना नंबर की पल्सर बाइक को वहीं छोड़कर फरार हो गए। इधर घायल अवस्था में लोगों ने दीनबंधु यादव को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इस मामले को लेकर सदर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मारपीट की घटना हुई है, जबकि इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा आवेदन भी पुलिस को प्राप्त हुआ है। साथ ही कहा कि पूरे मामले की जाँच निष्पक्षता के साथ कर दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सड़क के किनारा अपन जमीन छे सर एक बीघा, एक बीघा के अंदर लेबर 8-10 लेबर रहे, वो लेबर भुट्टा ऊपर में रखे रहे, वही बीच हरेराम आ घनश्याम दुनू अल तो हरेराम हमारा पर फायर कर लगे, वो गोली फायर नहीं बने, फायर नहीं है के बाद लाठी से मारे लगे, तो हम गिर गए, तो गिर गए वह लेबर सब जो हमारे रहे ना वह सर हमारे जान बचे गए, तब लेबर आके दौड़ ले तो गाड़ी छोड़ के भाग गए, गाड़ी ऊपर जब्त कर राखल सब पब्लिक गाड़ी ऊपर राखने।